रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल क्षेत्र के करमहर कोचस में भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के दौरान बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र के द्वारा भाजपा को देशद्रोही पार्टी कहने वाली विवादित बयान देने पर पलटवार किया है। मंत्री संतोष कुमार सिंह ने भाजपा के सदस्यता अभियान के दौरान करघर और कोचस में प्रेस से बातचीत में कहा कि राजद विधायक भाई वीरेंद्र का भाजपा को देशद्रोही पार्टी के कहने का बयान पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने आगे कहा कि राजद के लोग और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल दोनों बेल पर हैं। इन दोनों का मेल होना कोई नई बात नहीं है। मंत्री ने एक भोजपुरी कहावत का उदाहरण देते हुए कहा कि चोर चोर मौसेरा भाई, दोनों पार्टियों की स्थिति समान है। भाई वीरेंद्र कोई अलग कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। भाई वीरेंद्र के जो पार्टी के जो सुप्रीमो हैं और जो अरविंद केजरीवाल जी हैं आप पार्टी के, ये दोनों लोग दोनों के सुप्रीमो बेल पे हैं, तो बेल वालों का मेल होना जरूरी है, तो मेल होता ही है। और हम लोग देहाती लोग हैं, देहात में कहावत है कि चोर चोर मौसेरा भाई, तो ये कोई नई बात नहीं है। देश की जनता जानती है कि भारत की राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। कौन देश तोड़ने वाले हैं और कौन देश के राष्ट्रभक्त हैं, कौन चाहते हैं कि भारत विश्व का विश्वगुरु बने, ये भारत को बताना नहीं है। सर्टिफिकेट उनको देना चाहिए जो देश तोड़ने वाले हैं, उनको सर मानी चाहिए भाई वीरेंद्र पे जो इस तरह की गंदी बातें करते हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि उनकी पार्टी के जो समूह के लोग जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं बेल पर हैं और दोनों बेल वालों का मेल होना जरूरी है। उन्होंने एक भोजपुरी कहावत कहते हुए कहा कि चोर चोर मौसेरा भाई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को देशभक्ति की सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट उनको देना चाहिए जो देश तोड़ने वाले हैं। रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।